हम जूपिन 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 बोल रहे हैं, एडम ब्लॉक के सेवादार या फिर वो जिन सेवादारों को आपके पास भेजेंगे तो उनके अनुसार आपने करना है। हाँ, आपके पास एडम ब्लॉक के सेवादार आएंगे या वो सेवादारों को भेजेंगे उनके साथ, तो उनकी बात मान के पूरा पूरा अमल करना। आगे पीछे इधर उधर वालों को मत देखो, सब आदमी है, आदमी भगवान नहीं है कोई भी। आप पूजने लग जाते हैं उनको, ये आपकी मूर्खता है। हमने तो कभी नहीं कहा, हम तो कहते हैं भगवान को पूजो, सदगुरु को पूजो, जो आपके अंदर बैठा है, ये आपकी मूर्खता है। आप आदमी को पूजने लग जाते, ना ना भाई, ये तो बड़ा भक्त है आपको, कोई आपके अंदर सिस्टम है जिससे आपने देख लिया ये बड़ा भक्त है। क्यों उनकी बातों पर विश्वास करते हो, क्यों उनके ऊपर इतने डुल जाते हो? नहीं यार, ये तो ये है वो है, पिताजी की बात तो ये है। क्यों, पिताजी ने कहा है क्या ऐसा? कई बार होता है कि यार फलां बंदे ने मुझे कहा है, वो तो पिताजी कहेंगे तभी कहेगा, आपको कैसे गारंटी है भाई? जब हम स्टेज पे बैठ के गारंटी नहीं देते कि कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है, किसी की कोई गारंटी नहीं सिवाय फकीर के, सिवाय भगवान के। जब हम स्टेज से गारंटी नहीं देते तो आप कैसे मन बना लेते हो यार ये बंदा तो पिताजी के कहने से कर, सवाल ही पैदा नहीं होता। पर किसी के आशिक ना बनो, सतगुरु अल्लाह मालिक के आशिक बनो। आदमी के बनोगे तो खज्जल खुआर होते रहोगे, चाहे आदमी कोई भी क्यों ना हो, आदमी आदमी है, सतगुरु सतगुरु है। ये हमेशा जहन में दिमाग में बसा के रखो। अंधा गुरु अंधा चेला, नरकों में धकम धकेला, वो तो नरकों की राह बना रहे हैं, कहीं आप भी नरकों में मत पड़ जाना। ऐसे लोगों की सुन के, चाहे वो कोई जुम्मेवार हो, चाहे वो फन्ने खा या नन्ने खा, कल भी आपको कहा था, किसी की नहीं सुननी, क्योंकि सुननी है तो सतगुरु की सुनो, सुननी है तो गुरु की सुनो, पीर फकीर की सुनो, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग प्यारी सत्संग जियो, यहां तरह तरह के खेल आप देख रहे हैं दुनिया में, और पता नहीं कितने मालिक ने दिखाने हैं। आप देखते रहिए क्या क्या हो रहा है समाज में, कौन क्या है, कौन किससे जुड़ा है, ये तो राम जानता है। जो आपको दिख रहा है, हो सकता है वो सही ना हो, आप ऐसे कह रहे नहीं ये तो सही है, कोई पता नहीं कौन सही है, क्या पता उस सही का ही कोई इस्तेमाल कर रहा हो। हम कितना सत्संग में बोल दें, कितना क्लियर कह दें, इससे क्लियर और क्या कहेंगे। कलयुग घोर है और हम यहां से बिल्कुल क्लियर कट उनको बताते हैं जिनमें कमी होती है, कि तेरे में ये कमी है, और फिर भी इतना ढीठ, इतना अहंकार, झुकने का सवाल पैदा नहीं होता। बुरा हाल हो जाएगा आने वाले फ्यूचर में, समय में बुरा हश्र होगा ऐसे जीवों का जो अमल नहीं करते।